हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी वेज रोल की रेसिपी को। इसे आप सुबह सुबह की भाग दौड़ में, बच्चों के लंच में देने के लिए या सुबह सुबह नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। बनाने में तो सिंपल है ही, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए बनाते हैं इसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 1 चम्मच तेल। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। गरम हो जाने के बाद इसमें डाल दें थोड़ा सा जीरा। कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक किया हुआ हरी मिर्च। 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, एकदम बारीक कटा हुआ। प्याज डालने के बाद इसे तेज़ आंच पर 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए भून लें। बहुत ज़्यादा इसे हमें लाल नहीं करना है, बस हल्का सा भून लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पत्ता गोभी, एकदम बारीक किया हुआ। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च, ये भी एकदम बारीक किया हुआ। इसे डालकर 1 से 2 मिनट तक हमें तेज़ आंच पर भून लेना है। चीज़ों को यानी कि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर रखें, ताकि ये बस हम इसे भून सकें। इसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए, जिस तरीके से हम चाउमीन बनाने में करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार डाल दें, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। बस इन सारी चीज़ों को डालकर 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लें। बस हमें ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे ढकने की ज़रूरत है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर। टमाटर का बीज निकाल कर इसे बारीक टुकड़े में काट लिया था मैंने। इसी के साथ मैंने डाला है 50 ग्राम पनीर। पनीर आप थोड़ा कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपके बच्चे पसंद करते हों। बस इसे भी डालकर 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लें तेज़ आंच पर। बस ये हमारा जो मिक्सचर है सब्जियों का, वो तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे एक बोल में निकाल कर एक साइड रख लें। रोल बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। पहले तो मैंने 2 से 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब मैंने इसमें डाला है नमक। 1 छोटा चम्मच या 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें, मिक्स कर लें इसे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा तैयार कर लें। जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, उसी तरीके से ये आटा तैयार कर लें। देखिए, आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हल्का सा घी। घी लगाने से क्या है, ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। एक बार इसे चिकना कर लें और ढककर इसे 10 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। इधर ये जो वेज का मिक्सचर है वो भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, हल्का ठंडा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब टंगी हुई दही। दही को इस तरीके से कपड़े में डालकर मैंने टांग दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैं तंदूरी मेयोनीज डाल रही हूँ। मेयोनीज डालना इसमें ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप हरे धनिए की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप पसंद करते हो तो। बस इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ये जो मिक्सचर हम मैंने बनाया है। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक किया हुआ धनिया पत्ती, इसे भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर है वेज रोल का, ये तैयार हो चुका है। इधर ये आटा भी गूंथ के रखे हुए 10 मिनट हो चुका है, तो अब इसे छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। लोई बनाने से पहले एक बार इसे गूंथ लें। घी लगाने से क्या है, और 10 मिनट इसे रखने से जो ये रोटी या पराठा आप बनाकर तैयार करेंगे वो बहुत देर तक सॉफ्ट रहता है। तो इस तरीके से अगर आप रख देते हैं, या लंच में पराठा या रोटी बनाकर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, रोटी या पराठा एकदम सॉफ्ट रहता है। तो पहले तो लोई बनाकर इस तरीके से आटे में डस्ट कर लें, और जितना बड़ा रोटी बेलते हैं उतना बड़ा इसे बेल लें। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ देसी घी। पूरी वीडियो में मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देसी घी जो होता है सेहत के लिए अच्छा होता है। बस लगाकर इस तरीके से इसे रोल कर लें और एक बार फिर से उसी साइज का इसे बेल लें। आप इसे जितना पतला बेलेंगे, जो रोल बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरीके से सारा पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे।
एक बार पहले इसे बेल लें, उसके बाद इसके ऊपर घी लगाएं। चम्मच से ही इसे कट कर लें, इस तरीके से रोल कर लें। आटे में डस्ट करें और एक बार फिर से उसी साइज में बेल लें। अब इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने पहले से ही तवा गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई पर करें, इसे एकदम तेज आंच पर ना सेकें। ऐसा करने से क्या है, अगर हम पराठा बहुत ज़्यादा इसे सेक देंगे तो इसे हम रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसे हल्के आंच पर ही सेकें। जब एक तरफ से हल्का सेट हो जाए तो इसके ऊपर घी लगाएं, या आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हो, मैंने इसके ऊपर घी लगाया है। बस इसे हल्का हल्का ही सेकना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है। पलटे की सहायता से इसे दबाते रहें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। बस इसी तरीके से सारा पराठा सेक कर तैयार कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसे कैसे सेकना है। बस जब हल्का सा ये सेक जाए तो इसे पलट दें और घी लगाकर दोनों साइड से सेक लें। बस इसी तरीके से सारा पराठा सेक कर तैयार कर लेंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे इस तरीके से बीच में रखें पराठे के और इसे रोल कर लें। तो देखा आपने कितना आसान है ये वेज रोल की रेसिपी, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसी तरीके से सारा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसे इसी तरीके से सर्व करें या बीच में से इस तरीके से कट कर लें। बस ये हमारा वेज रोल, हेल्दी वेज रोल बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वेज रोल की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।